पार्षद ताहिर हुसैन के घर पर एसआईटी की टीम जांच के लिए पहुंची है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से उनके घर से पत्थरों से भरे भूरे पाए गए थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी एक्शन लिया था। தடயவியல் துறையினர் ஆதாரங்களை சேகரித்து வருகிறார்கள். அவர்களுடன் டெல்லி குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினரும் அடுத்த கட்ட விசாரணைக்காக தேவைப்படும் ஆதாரங்களை இங்கிருந்து சேகரித்திருக்கிறார்கள். ஆதாரங்கள் கிடைத்த இடங்களில் டெல்லி காவல்துறையினர் எழுதி வைத்துக் கொண்டு இந்த ஆதாரங்களை சேகரித்து வருகிறார்கள். இங்கு கிடைத்த பாட்டில்கள், மற்றும் அதாவது பயன்படுத்தப்பட்டு தூக்கி எறியப்பட்ட கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில்கள், அந்த பாட்டில்களில் ஏதேனும் பொருட்கள், அதாவது பெட்ரோல் பாம் உள்ளிட்டவற்றிற்காக அது பயன்படுத்தப்பட்டதா, அல்லது அதில் வேறு அமிலப் பொருட்கள் எதுவும் பயன்படுத்தப்பட்டு தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதா உள்ளிட்ட கோணத்தில் தடயவியல் துறையினர் இங்கு சோதனை செய்து வருகிறார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் இங்கு எரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பொருட்கள் மற்றும் இந்த கலவரத்தில் தாக்கப்பட்டு சேதமடைந்திருக்கக்கூடிய பொருட்கள் என அனைத்தையுமே तो 39 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो ताहिर हुसैन के घर अब पहुंची है एसआईटी की टीम, जो सबूतों की जांच यहां पर करेगी। तो जिस तरह से ताहिर हुसैन का नाम सामने आया, उसके बाद लगातार कार्रवाइयों की गाज जो है वो ताहिर हुसैन पर गिरती हुई। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो आप देख सकते हैं एसआईटी की टीम लगातार हर एक एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल यहां तस्वीरों में खड़ा हो रहा है कि घर है या हथियारों का गोदाम। पत्थर और तेजाब बम जो है वो यहां से लेते हैं। और अब फिलहाल एसआईटी की तरफ से तमाम पहलुओं पर जो जांच है वो की जा रही है। सबूतों को यहां पर इकट्ठा किया जा रहा है, जिनको इकट्ठा कर जांच की जाएगी। तो ताहिर हुसैन के घर एसआईटी की टीम पहुंची है, जो हर एक पहलू पर जांच करती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही है। तो पिछले दिनों जो हिंसक घटनाएं दिल्ली में देखने को मिली थी, काफी हिंसक माहौल यहां पर हुआ था, जिसमें 39 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और कई लोग घायल हैं। तो तनावपूर्ण स्थिति काफी देखने को मिली थी दिल्ली में। और अब उसके बाद एक एक जो खुलासे हैं वो इस हिंसक घटनाओं को लेकर सामने आ रहे हैं। और अब ताहिर हुसैन का नाम भी इसमें, और अब फिलहाल उनके घर पर इस एसआईटी की टीम जांच पड़ताल कर रही है।